वेलकम टू देहरादून लाइव और मैं हूँ आपके साथ शेफाली आना। वर्ल्ड फूड डे के मौके पर आज देहरादून के कुछ ऐसे फूड जॉइंट्स आपको रूबरू कराते हैं जिनके खाने का स्वाद सभी के जुबान पर अभी भी टिका होगा। आज सबसे पहले बात करेंगे चेतनपुरी वाला से। यहाँ पर हम आए हैं, आपको बताएंगे किस तरीके से जो चेतनपुरी वाला है ये सभी का फेवरेट है और सभी लोगों को यहाँ का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। काफ़ी ज़्यादा फेमस चेतनपुरी वाला है देहरादून में, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर खाना टेस्ट करने के लिए। तो आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा लोग यहाँ पर आओ? या मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, है ना। सिंस 40 इयर्स इट इज़ रनिंग सक्सेसफुली। हाँ, और जो एक बार टेस्ट करके जाता है टूरिस्ट, वो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे आते हुए भी टेस्ट करेंगे और जाते समय भी यहाँ से खा कर। बताइए हमें कि मतलब थालीज मिलती हैं तो क्या क्या थाली और स्पेसिफिकेशन थाली? स्पेसिफिकेशन ये है कि इसमें चार कचौरी होती हैं, बेदमी कचौरी, नॉट खस्ता कचौरी, बेदमी कचौरी होती है। उसके साथ चार सब्जियाँ, छोले, तरी आलू, कद्दू एंड आलू मेथी, और विंटर्स में आलू गोभी चलता है। और जो प्राइस है वो कितना? वो 80 रुपीज़ पर प्लेट है फॉर द फोर कचौरीज एंड फोर सब्जीज। रायता अलग से होता है 20 पर प्लेट। 80 रुपीज में पूरा भरपेट फुल फिलिंग हमको यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मान लो, लंच मान लो, हाँ प्रॉपर मील इन 80 रुपीज। सो दिस इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो, 80 रुपीज में यू कैन हैव ऑल द मील, पूरा खाना खा सकते हैं पेट भर के। आप मामा जी के नाम से मशहूर है, आपका असली नाम क्या है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार है आपका नाम, ठीक है। कितने साल हो गए इस दुकान को लगाते हुए? 45 इयर्स हो गए। अच्छा, इसके पीछे की हमने काफी सारी स्टोरीज सुनी है, तो आप बताइए कि मेन क्या रीजन थी कतलम्बे देहरादून में लाने का? ये एक कम्युनिटी का ट्रेडिशनल फूड है जो पाक अधिकतर पंजाब में पाई जाती है, बनवाल में। तो वो लोग की बिरादरी यहाँ पर ज्यादा है, वो लोग आए जब तो फिर ये डिश भी इधर आ गई। और हमारे जो डैडी थे उनके वो साथ के थे, गुरुजी थे, साथ जी थे, उनके वजह से हम ये काम कर पा रहे हैं। पहले आपके पापा लगाते थे यहाँ पर, फिर आप कितने समय से लगा रहे हैं पापा के बाद? 30 साल हो गए। 30 साल आपको ही हो गए लगाते लगाते। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे जो है लोग मतलब काफी दूर दूर से आते हैं, हम भी पता कर करके आए हैं, तो यहाँ पे मतलब जो भी क्राउड रहते हैं ज्यादातर कैसे आस पास के ज्यादा होते हैं, बाहर से भी लोग आते रहते हैं? इसमें तो ऑल वर्ल्ड से आते लोग आते हैं लोग। एक तो ये बहुत फुल कैलोरीज है, इसके अंदर हेल्थी बहुत है, ऑयली है। जो मजदूर लोग आते थे इस तरह की डिश बना के 2-4, 5 दिन या 3 दिन खा सकें, ये भी ना तो ख़राब होती है, लहसुन अदरक प्याज छोले के अंदर नहीं होता है, कतलम्बा डीप फ्राई होता है, 10 दिन 5 दिन बाद भी इसे गर्म करके खा सकते हैं। ठीक है। और यीस्ट की मात्रा होती है? नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यीस्ट पेट के लिए अच्छा है, कोई भी केमिकल नहीं होता, यीस्ट ही नुकसान देता है, इसलिए बटर में जैसे ईस्ट डलता है इसमें नहीं। ये पिंडी छोला होता है, इसमें लहसुन अदरक कुछ नहीं होता, कच्चे मसाले नहीं होते जी, सूखे मसाले होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।